सलमान खान काले हिरण के शिकार मामले में दोषी पाए गए हैं। गुरुवार को जोधपुर की अदालत इस मामले में फैसला सुना दी। सलमान को अदालत ने 5 साल की जेल और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाते ही सलमान खान को हिरासत में ले गया है। अब आपको बता दें, सलमान खान के जेल जाने से व्यावसायिक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, साथ ही सलमान की छवि को भी नुकसान होगा। सलमान के ये जेल जाने के निर्णय से बॉलीवुड को करीब 1,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि रेस 3 जो कि सलमान अभी शूटिंग पूरी कर चुके हैं, उसके थोड़े पार्ट अभी बाकी है। फिल्म का बजट है 100 करोड़। सलमान इसमें मुख्य अभिनेता है। रेस 3 के अलावा भारत में भी सलमान खान शूटिंग शुरू करने वाले हैं और अब सलमान की ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। दबंग 3 सुपरहिट सीरीज दबंग 3 में भी सलमान का होना तय है। इस फिल्म की शूटिंग साल के अंत में शुरू होनी थी, लेकिन सलमान खान की इस जेल वाली इस खबर से इस फिल्म में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। किक 2 से लेकर बिग बॉस 12 में भी सलमान खान होने ही थे, लेकिन अब सलमान खान के जेल जाने से बॉलीवुड के करोड़ों रुपए का दांव व फंसा रह गया है। क्या लगता है सलमान खान को अब जमानत मिल पाएगी या नहीं, ये सवाल या निशान है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय दें। सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो।